अच्छा सड़क पे बात करिए, सड़क बनाने में कमीशन लिया गया, इसमें क्या सच्चाई है कि कमीशन आप लोग लेते हैं? सरासर गलत है। प्रधानमंत्री आवास में भी कमीशन लेते हैं जो बोर्ड के बैठक में ही पास किए हैं, वही आज गलत लगा रहे हैं। जो मतलब एनजीओ बढ़ाना चाहिए वो भी हैं बैठक में, आज एलिगेशन लगा रहे हैं, तो इसका कोई तो माने नहीं है। हम तो नहीं, गाड़ी खरीदारी होता है 8 लाख का, 13 लाख का बिल बनता है। कोई अफसर नहीं चाहेगा कि हम फंसें, उसका मतलब कि सर्विस मतलब कि अपना प्यारा होता है। जेम पोर्टल से ही जो भी नियमानुकूल है वही होता है। अभी मौजूद है सिवान के महाराजगंज नगर पंचायत में, जिस तरह नगर पंचायत पर कई तरह का आरोप लग रहा था उसी लेकर महाराजगंज नगर पंचायत पहुंचे हुए और यहां पे अध्यक्ष मौजूद है और तमाम वार्ड पार्षद भी मौजूद है, सबसे एक बात भी करेंगे। मैडम सच्चाई क्या है, जिस तरह लगातार आरोप लग रहा है कि घोटाला आप लोग कर रहे हैं, पैसा का डिमांड कर रहे हैं? अरे वो अपना दबदबा बनाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। तो बता रहे कि कमीशन लेते हैं लोग? नहीं, सरासर बेबुनियाद गलत है। अच्छा, जो सफाई का मामला सामने आ रहा है कि सफाई में 6 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 13 लाख हुआ और मजदूर नहीं बढ़ा, वो लोग उनके द्वारा बताया जा रहा है, इस पर क्या सच्चाई है? इस पर सच्चाई है कि जब मैं 2022 में जीत के आई उस समय एनजीओ 8 लाख 93 हज़ार था जी, जिसमें सफाई कर्मी 55-56 थे जी। उनका प्रतिमा 5500 रुपया था जी। अब जब 3-4 महीना पहले जब एनजीओ 13 लाख का हुआ उसके बाद 70-72 सफाई कर्मी हैं और 7200 रुपया उनका प्रति मंथ है और पीएफ भी कटता है 300-400 रुपये का जमा होता है उसके। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है वो बेबुनियाद गलत लगा रहे हैं लोग, और अपना काम जो 5 साल नहीं हुआ है वही काम। मैं तीसरी बार चेयरमैन बन के आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस बार आई हूँ तो घोटाला की हूँ। बहुत सारे उस समय था, आंगनबाड़ी था, टीचर का बहाली था, उस समय भी घोटाला की होती तो आज जनता मुझे यहाँ नहीं लाती। जो आरोप लग रहा है गलत है? गलत। और मेरे साथ तमाम वार्ड पार्षद है, देख सकते हैं तस्वीरों में, उन लोगों से भी जानकारी लेंगे। मैडम क्या सच्चाई है, मतलब जो आरोप लग रहा है कि आप लोग पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं सब में, जो बोल रही हैं वो सही हैं जी? अध्यक्ष जी जो बोल रही हैं वो सही हैं। आप भी वार्ड सदस्य हैं, आप लोग भी कमीशन लेते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। आरोप लग रहा है जो गलत है? हाँ गलत है, सब गलत है। क्या सच्चाई है, सब गलत है आरोप लग रहा है? गलत है जी, सब गलत है जो बोल रही है मैडम, सही बोल रही है। देखिए और लोगों से बात बातचीत करेंगे, मेरे साथ अध्यक्ष जी प्रतिनिधि हैं, इन पर भी कई तरह का आरोप लगा रहा था कि आपके द्वारा भी घोटाला किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है नगर पंचायत में, कई करोड़ों का घोटाला के बाद सामने आ रहा है? सबसे पहले मैं सभी मीडिया को नमस्कार करता हूं। अब रह गई घोटाले की बात, मैं इतना जानता हूं, तीसरी टर्म हमारी पत्नी को जनता ने विजयी बनाया है मुख्य पार्षद के पद पर जी। और जब भी जो भी आरोप लग रहा है बेबुनियाद है, इसलिए कि सारे लोग बोर्ड में पास करते हैं, सशक्त स्थायी समिति में पास होता है, उसके बाद जो भी खरीद करना है या जो भी लगाना है, सीसी कैमरा हो या सीमांकन बोर्ड हो या ऑफिस डिक्रेट कर, जो भी करना है सारे चीज़ जेम नगर विकास के गाइडलाइन से, जेम पोर्टल के हिसाब से ही यो उस पर एथे जांच करके अपने माध्यम से करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उनकी नौकरी न फंस जाए, कोई अपना लूट करके नौकरी नहीं फंसाएगा, इसलिए सब कुछ नियमानुकूल होता है। मतलब कमीशन की जो बात की जा रही है कि सभी काम में कमीशन लिया जाता है, इसमें क्या मतलब कमीशन नहीं लेते क्या आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, पत्नी पहले भी मेरी रही हुई है चेयरमैन 2002 से 2007, 2012 से 2017, जिसमें 150 टीचर 45 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का बहाली हुआ है। और 2016 से 2017 में उसी समय प्रधानमंत्री आवास आया या एनजीओ आया, जो भी आया तो बहाली भी अध्यक्षा की है, लेकिन कोई नगर पंचायत की जनता अगर साबित कर दे कि शक्ति शरण प्रसाद या उनकी पत्नी शारदा देवी ने 1 रुपया लिया है तो मैं रिजाइन पत्नी से करा दूँगा। देखिए दूसरी बात है कि अगर बेबुनियाद लग रहा है कि अध्यक्ष के पति या अध्यक्ष लेती हैं 75,000-80,000, तो लोगों को मालूम नहीं है हमारी पत्नी या मैं, हम लोगों को खुद इतना ना भगवान ने दिया है जर्थी माने कि 1.5-1.5 लाख रुपए किराया आ जाता है, मेरा बेटा बीटेक करके सिविल से वो भी कमा लेता है 1,50,000। और रह गई कि हम लोगों की संपत्ति की कमी नहीं है, हम जब भी चुनाव लड़े हैं जनता जानती है नगर पंचायत की कि हम अपना लॉस करके चुनाव लड़ते हैं, जनता की सेवा की भावना रहती है, जब मैं जीते हैं अपना लॉस करके जीतते हैं, यही जनता का प्यार है कि तीसरी बार हमारी पत्नी डायरेक्ट में
लोगों का आशीर्वाद प्यार मिला है। रह गई लाइट एनजीओ की बात है, तो एनजीओ भी है तो जब 2001 में अध्यक्षा बनी उस समय 8,90,000 का एनजीओ था, उस समय 8,90,000 का था 22 में, और उसके बाद क्या था कि 55-56 थी से सफाई कर्मी थे, और उस समय 5,500 रुपया तनख्वाह था सफाई कर्मी का, 2 माह ट्रैक्टर था। फिर 5-6 महीना पहले जो टेंडर हुआ 13 लाख का, सभी पार्षद ने कहा, बोर्ड में लिया गया, सशक्त में पास हुआ, तो उसमें हुआ तो अभी 70-72 लेबर हैं, उनकी तनख्वाह अभी 72 सौ है, उसका एनजीओ वाला जमा भी करता है पीएफ जो 300-400 रुपये होता है, अभी 2 ट्रैक्टर है और 3 टीपर है, इतना काम बढ़ गया है। मतलब जो आरोप लग रहा है गलत है, बेबुनियाद है। मेरे साथ और वार्ड पार्षद भी मौजूद है, उनसे हम जानकारी लेंगे कि सर क्या सच्चाई है जो आरोप लग रहा है कि आप लोग पैसा लेते हैं, कमीशन लेते हैं प्रधानमंत्री आवास में सड़क में। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता को प्रणाम कर रहा हूं, और जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि 2 साल हुआ टीपर जो खरीदाया है, लमसम साल भर हुआ, तो साल भर पहले क्यों नहीं बताए? आज जो है उनको दबदबा दिखा के कि और वार्ड में काम ना हो, हम अपने वार्ड में काम कराएं, उस काम के लिए उछाल के कि इससे डर जाएगा लोग और मुझे काम मिलेगा। मतलब जो आरोप लग रहा है बिल्कुल गलत है, एकदम बेबुनियाद है। मैडम जो आरोप लग रहा है क्या सच्चाई उसमें? आप लोग कमीशन वगैरह लेते हैं क्या? प्रधानमंत्री आवास में सड़क वगैरह में देता है क्या यू कमीशन? नहीं, सब गलत बात है, बिल्कुल नहीं लेते हम लोग कमीशन। जी लोग वार्ड पार्षद में आए हैं, विकास करने के लिए आए हैं, विकास कर रहे हैं।